जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले न तू कल की सुबह, जो दिया हमने भी हंस के लिया, है जिंदगी तेरा चल शुक्रिया। कम्मे बेटे ने वीडियो स्टार्ट कर दी, मुझे नहीं मालूम, मैं मस्ती से गा रही थी, इधर अपना तैयारी कर ली थी थोड़ा सा, और अभी खाना वाना ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, पहले से बहुत बेटर है, बहुत मच बेटर है पहले से। और डोसे का घोल पीस के रखा है, दो दिन से बेटा पूछ रहा था मम्मी डोसे का बैटर बना दीजिए, बैटर बना दीजिए। तो डोसा ऐसा है, जब भी बैटर बनाती हूँ सोचती हूँ वीडियो शूट करूँगी, लेकिन हमेशा भूल जाती हूँ। तो चलिए अभी तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, एक बिल्कुल स्मूदी बनाएंगे एप्पल की, और लेकिन उसमें सीक्रेट भी डालूंगी जिससे कि बच्चे भी पिएंगे और बड़े भी पिएंगे। तो पूरा वीडियो वॉच करिए और देखिए और बताइएगा कैसी बनी, और बनाइएगा ज़रूर। इस समय एप्पल तो भरपूर आ रहे हैं और मस्त है, एक गिलास पी लीजिए, पेट बिल्कुल टनाटन, सारा दिन भूख नहीं लगेगी। तो देखिए इतना बोलने में ही थक जा रही हूँ तो चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। और मैं बना रही थी, उसने शूट किया है तो आप लोगों ने सामान देख ही लिया होगा, लेकिन चलिए अभी एक कप, एक गिलास मैंने बना के रख दिया है और एक गिलास और बना के रखूँगी। तो देख लेते हैं, ये ले लिए हैं मैंने एक एप्पल और इसके बीजे निकाल दिए हैं, ये डाल देंगे हम अपने मिक्सी जार में, और साथ में ही इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी दालचीनी। तो कैमरा हाथ में है मेरे, तो डालेंगे इसमें हम अपनी दालचीनी। ये बहुत बढ़िया है अपना वेट लॉस में भी, जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और वैसे भी ये बहुत अच्छा तो है ही, ये इतनी जाएगी दालचीनी। यदि आप दालचीनी का फ्लेवर पसंद नहीं करते हैं तो मत डालिएगा, लेकिन इसको डालने से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और साथ में ही डालेंगे इसमें हम बर्फ़, कि स्मूदी बने वो स्मूदी ठंडी ना हो तो फिर उतना मज़ा नहीं आता है। तो ये मैं डाल दूंगी बर्फ़, ये आपने बर्फ़ देखी है, देखिए मेरे यहाँ की बर्फ़ देखिए, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये इसके अंदर ना होल होता है, ये देखिए, ये गिलास गिलास की तरह होती है, आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। ये देख रहे हैं आप मेरी कितनी उंगली चली गई अंदर, तो ये बहुत अच्छा लगता है गर्मियों में, इसमें कुछ भी सर्व करो बहुत बढ़िया लगता है। तो ये डालूंगी मैं, केवल दो ही बर्फ़ का क्यूब डालूंगी, और साथ में इसमें जाएगा दूध, और दूध एक गिलास पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा कम। और ये बड़े वाले ये जो है बियर मग बोल दीजिए या कॉफ़ी मग, ये वो वाले मग है मेरे। अब इसमें डालेंगे अपना सीक्रेट, सीक्रेट ये है कि ये है मेरे पास एक छोटी इलायची, हरी इलायची, इसको डालते ही ये फ्लेवर एकदम बदल जाएगा और सबको बहुत पसंद आएगा ये। तो ये एक डाल दिया, चलिए अब इन सबको चढ़ा लेते हैं अपने मिक्सी के ऊपर आसमान पे, और मिक्सी को कर लेते हैं स्टार्ट।
ये देखिए, देखा आपने, ये बर्फ़ डालने से दो फायदे हैं। एक तो जो मिक्सी की हीट होती है वो चीज़ों में नहीं लगती। इसको मैंने ज़्यादा नहीं पीसा है, थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये अपने लिए ही बनाना है। थोड़ा क्रंची फ्लेवर मुझे पसंद है, बीच बीच में एप्पल आता है। तो चलिए, तो इसमें मैंने शुगर ऐड नहीं करी है, लेकिन शुगर डालते ही ये डाइट वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए यदि आप मीठा पीना पसंद करते हैं तो इसमें शहद डालिएगा, बनने के बाद एक चम्मच शहद। लेकिन मैं शहद भी नहीं डालूंगी और इसको ऐसे ही सर्व करेंगे हम। सच बता रहे हैं, आप इसमें इलायची डाल के देखिएगा, आपको इतना यमी लगेगा ना, इतना मजा आएगा इसको। लेकिन इसको चिल्ड ही दीजिएगा, किसी को भी पीने के लिए दीजिएगा, यमी एकदम। तो हुलिया कर लिया ठीक, मुंह वो धुल के थोड़ा सा फ्रेश होके बैठ गए हैं। अब इसको रख दिया था फ्रीजर में, और तबीयत चाहे कितनी खराब हो, मुझे ठंडा ही अच्छा लगता है। मैं क्या करूं, मुझे सब लोग इतना डांटते हैं, लेकिन मैं फीवर में भी ठंडा ही पानी मांगती हूं और पीती भी हूं, क्योंकि बिना उसके तो मुझे लगता है मेरा सर फट जाएगा। तो बहुत यमी बना है, जरूर बनाना। आप एक मील स्किप करके इसको ले सकते हो, और जरूर शुगर ना मिलाइए, शहद मिलाइए। चलिए इसी के साथ करते हैं बाय बाय, सेफ, टेक केयर, वी लव यू।